हमारी बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो रही है। सरकार हो या फिर विपक्ष, दोनों के नेता सोनीपत जिले में ज्यादा दिखने लगे हैं। शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत जिले के गोहाना के खानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने व्यायामशालाओं को जनता को समर्पित किया। सोनीपत जिले में बढ़ती गतिविधियों को बड़ौदा उपचुनाव से जोड़कर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के हर हिस्से में जाते हैं, हर विधानसभा में पहुंच रहे हैं और बड़ौदा भी हरियाणा विधानसभा का एक हिस्सा है। पूरे हरियाणा में आता जाता हूं मैं, तो हरियाणा में आकर जो भी कोई क्षेत्र है, चाहे वहाँ शहर है, गांव है, सब जगह जाना होता है। बड़ौदा विधानसभा भी आकर तो हरियाणा में ही है, हरियाणा से बाहर थोड़ी है। तो इसलिए आज एन रूट कुछ गांव अगर आए हैं तो उनमें मैं रुक रहा हूं और लोगों से जानकारी ले रहा हूं कि लोगों की कठिनाई है, समस्या है, अथवा लोग सरकार के बारे में क्या समझते हैं, किस प्रकार से आंकलन करते हैं, ये फीडबैक हमको मिलता है। और निश्चित रूप से बड़ौदा उपचुनाव आएगा तो बड़ौदा उपचुनाव हमको लड़ना ही है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया कि उपचुनाव बीजेपी जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन में लड़ेगी। गौरतलब है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बड़ौदा उपचुनाव गठबंधन लड़ेगा। सरकार गठबंधन की सरकार है, इसलिए गठबंधन के नाते से उस सीट को हम लड़ करके जीतेंगे। कोई भी उपचुनाव हो, सरगर्मी तो तेज होगी। राजनीतिक पार्टियां जब विधानसभा के चुनाव लड़ती तो उसके अंदर अपनी तैयारियां भी करती, लगता है प्रत्येक पार्टी अपना कार्य कर। आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा, मुझे लगता है बिहार के चुनाव के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन इसकी डेट डिक्लेयर करे, तो मुझे लगता है मजबूती के साथ उस गढ़ के ऊपर फतेह करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन प्रदेश में बड़ौदा उपचुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। बड़ौदा उपचुनाव सीट कांग्रेस की सिटिंग विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन से खाली हुई है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा ने पहलवानी के दंगल में बड़ों बड़ों को चित करने वाले योगेश्वर दत्त को राजनीति के अखाड़े में चित कर दिया था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में श्री कृष्ण हुड्डा ने बड़ौदा सीट जीती थी। हरियाणा गठन के बाद बड़ौदा में कभी उपचुनाव नहीं हुआ है, ये पहला मौका होगा जब बड़ौदा में उपचुनाव होगा। बड़ौदा जाट बाहुल्य सीट है, ये सोनीपत जिले और सोनीपत लोकसभा सीट में आता है। वैसे तो बड़ौदा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन सभी की निगाहें इसी सीट पर टिकी हैं कि क्या उपचुनाव में जब बीजेपी और जननायक जनता पार्टी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगी तो नतीजों पर क्या असर पड़ेगा। न्यूज़ PHH रिपोर्ट।